तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ और सेरामिक कोटिंग के बारे में, क्या ये आपको करवानी चाहिए, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है, किनको करानी चाहिए किनको नहीं करानी चाहिए, क्या ये एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो या फिर ये इन्वेस्टमेंट आप डेड कर रहे हो, फायदे क्या है नुकसान क्या है। क्योंकि दोस्तों जो भी कोई बंदा नई गाड़ी लेता है एक्साइटमेंट इतनी रहती है कि लोग डीलरशिप से ही पीपीएफ कोटिंग करा लेते हैं, एंड ये कोई सस्ती नहीं है, 4-5-6 हजार रुपए की, लाख लाख डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए तक के खर्चे आते हैं पीपीएफ कोटिंग कराने के। और साथ ही साथ दोस्तों सेरेमिक कोटिंग, बिल्कुल दोनों। अब पहले हम एक एक करके चलेंगे, इसमें टेफ्लॉन कोटिंग भी है, एंटी रस्ट भी है, अंडर बॉडी, बड़ा कुछ भैया स्कैम ही चल रहे हैं अगर सही मायने में पूछे दक्ष तो ये जो है। तो आज का वीडियो आप ये लास्ट तक जरूर देख लेना, कोई पॉइंट स्किप मत करना, काम की है भी या नहीं भाई देख तो लो। सबसे पहले शुरू करते हैं दक्ष सेरेमिक कोटिंग्स। बिल्कुल, जैसे ही कस्टमर गाड़ी खरीदता डीलर ही शुरू हो जाता है, डीलर ही उसे दाना डाल देता है, भाई साहब पानी नहीं रुकेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये गाड़ी के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। जैसे कि आप सेरेमिक के बर्तन देखते होंगे घर पे, कप वगैरह जो चीजें आती हैं या पॉट्स आते हैं, फ्लावर पॉट्स वगैरह सेरेमिक आते हैं, एक लेयर चढ़ा दी जाती है एक नई गाड़ी के ऊपर, उसको पहले क्लीन करके एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा कुछ टाइम तक गाड़ी ग्लॉस करती है, देखने में बहुत कैची लगती है, बड़ी शाइन मारती है। भैया 25-30-35-40-50 हजार रुपए का इसका खर्चा आता है, लेकिन दोस्तों ये कोई यूजफुल नहीं है। पीपीएफ से काफी सस्ती पड़ती है, पीपीएफ से ये काफी सस्ती पड़ती है, एक टेफ्लॉन कोटिंग भी है उस पर भी आएंगे। तो ये लेयर चढ़ा दी जाती है दोस्तों गाड़ी पे, और गाड़ी कंचे की तरह चमकने लग जाती है। बिल्कुल, कोई भी कलर होगा बहुत ही ग्लॉस करता है, और भैया हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, क्योंकि पेंट में अपने आप में इतना ग्लॉस होता है। दोस्तों ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक पेंटर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, वर्ल्ड रेनाउंड पेंटर हूँ, रंगों के बारे में आपको मेरे से बेटर गाइड नहीं कर पाएगा कोई इन सब चीजों के बारे में। सेरेमिक कोटिंग के दोस्तों इन फ्यूचर नुकसान ये है कि ये पेंट के ऊपर एक लेयर चढ़ती है, बिल्कुल, जो कल को पेंट को खराब करेगी। दोस्तों इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी तीखी धूप पड़ती है, गाड़ी मोस्टली लोगों की धूप में ही खड़ी होती है, तो इतने जब गाड़ी मौसम झेलती है, बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, और ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है पेंट के, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो अंदर जो है पेंट को डैमेज करेगी। बिकॉज जो गाड़ी में ऑलरेडी कंपनी की तरफ से पेंट होकर आता है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो ऑल्टो हो, i20 हो, फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो एनो, कोई भी कंपनी की कोई भी गाड़ी हो जो ऑलरेडी कंपनी पेंट करती है, वो इतनी R&D के साथ पेंट होता है कि वो हर मौसम को झेल सकता है, गर्मी ठंड हर टाइप के मौसम को, बर्फ, ईच एंड एवरीथिंग उस पेंट में इतनी कैपेबिलिटी होती है, R&D इतनी कंपनी करती है कि उसमें किसी लेयर की जरूरत नहीं होती यूजली, बिल्कुल होती नहीं है। और अगर आप मेंटेन रखोगे यार कोई जरूरत नहीं होती इन सब चीजों की। लोग कहेंगे भाई, आप कमेंट करेंगे कि भैया टाटा के तो पेंट खराब हो जाते हैं जी, होंडा के खराब हो जाते हैं, भाई खराब तो टाइम के साथ साथ इंसान भी हो जाता है, धूप में खड़े खड़े भाई हर चीज खराब होती है। आप अगर उसको अपनी गाड़ी को अच्छी जगह पे खड़ी कर रहे हो जहाँ पे छांव है, प्रोटेक्शन रहती है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, तो जरूरत ही नहीं होती है इन सब किसी भी तरह की, इस तरह की मेंटेनेंस की जो है। बाकी अगर आप कराना चाहो तो सेरेमिक कोटिंग होती है, लेकिन हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है यार ये कोई भी कोटिंग जो है इस किसी भी तरह की। ऐसे टेफ्लॉन कोटिंग है वो 6-8 महीने तक गाड़ी में चमक मारती है, लेकिन वो भी खराब हो जाती है, उतर जाती है जो है कोटिंग जो है। सही बात है यार, कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं मेरे भाई, जैसे दक्ष ने बोला बहुत R&D करती है, जैसे VW स्कोडा होती है, इनकी तो 6-6 साल की पेंट की वारंटी देते हैं ये, कि पेंट खराब नहीं होगा, फेड नहीं होएगा, जंग नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, तो ऐसी गाड़ियों पर भी लोग करा के बैठ जाते हैं ये सेरेमिक कोटिंग जो है। तो दोस्तों रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो इससे भैया दूर ही रहो, गाड़ी पे 3M की पॉलिश मारो, उससे ज्यादा चमकेगी वो, उससे ज्यादा शाइन करेगी गाड़ी को, धुलवाओ गाड़ी को, खराब कर देते हैं पेंट को गाड़ी को, जो रोज धोने आते हैं बंदे सुबह जो है, वो गंदे पानी और गंदे कपड़े से ही रगड़ते रहते हैं गाड़ियों को, 4-4, 6-6 गाड़ियां इकट्ठी धो देते हैं एक ही कपड़े से एक ही पानी से जो है, मतलब गंदे पानी से ही धो जाते हैं, बंदे को पता ही नहीं होता बंदे सो रहे होते हैं, और वो अपना कांड करके चले जाते हैं गाड़ियों का, आते हैं देखते हैं वाइपर खड़े हैं, खुश हो जाते हैं भाई गाड़ी धुली है, कई बार गीला सूखा कपड़ा ही मार जाते हैं मिट्टी वाली गाड़ी के ऊपर, और खासकर जब बारिशें हुई होती है ना दोस्तों, तो मिट्टी जो लगी होती है वो कांड कर देती है गाड़ी का पूरा का पूरा जो है, वो गीला सूखा कपड़ा मार दिया तो स्क्रैच हो जाते हैं। उसका तरीका होता है कि गाड़ी पे पानी मारना पड़ता है, बिल्कुल पहले पूरा लेयर हटानी पड़ती है मिट्टी की। तो दोस्तों अगली
चीज पे चलते हैं वो है पीपीएफ। ओए भैया, इसके अंदर हो रहे हैं बहुत बड़े धंधे और स्कैम, क्योंकि मोटा मुर्गा कटता है इसमें। भाई बंदे ने 6-8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी होती है, 10 लाख रुपए की, लाख रुपए का उसका बिल बना देते हैं पीपीएफ के नाम पे। ज्यादा का ही बना देते हैं। हाँ, ज्यादा का भी बन जाता है, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा मुर्गा कटेगा। सही बात है। और ऐसा डर फैलाना शुरू करता, डीलर नेटवर्क से शुरू हो जाता है ये काम, कार शोरूम ही शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ भी कोशिश की थी इन्होंने कि भाई आप पीपीएफ कोटिंग करा दो। मैं कहा भाई मुझे तो मत ही समझा तू रंगों के बारे में। लगा लिए थे। हाँ, मैंने कहा बेटा मुझे तो समझा मत, क्या क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ रंगों का, मुझे करवानी नहीं है। आज आप हमारी गाड़ी देख लो, जिस गाड़ी में बैठे हैं 2 साल हो गए हैं, ये देखो छोटी सी क्लिप लगाते हैं, भाई साहब ये आज भी वैसे ही चमकती है जैसे कि नई गाड़ी खरीदी है, क्योंकि खुद मेंटेन की जाती हैं भाई ये गाड़ियां। तो आ जाते हैं पीपीएफ, यानी कि पन्नी सी होती है ये लेमिनेशन, जैसे बच्चों की स्कूल की कॉपियों के ऊपर एक पन्नी सी नहीं लगी लगी होती है, वो पन्नी होती है थोड़ी अच्छी हैवी पन्नी होती है। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत ज्यादा ग्लॉस करती है, बहुत सारे इसके सारे मिथ फैलाए हैं जी, स्वेल मार्क्स नहीं आएंगे गाड़ी में, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। पीपीएफ की दोस्तों बेसिकली फुल फॉर्म है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। फिल्म तो जब भी डीलर आपको या कोई बंदा आपको सजेस्ट करता तो ये कहता है कि भाई इससे पेंट बचा रहेगा, अगर कल को स्क्रैच वगैरह पड़ता है तो उसमें जो है बेनिफिशियल रहेगा कि स्क्रैच गाड़ी की बॉडी पे नहीं आएगा। हाँ, बहुत हद तक कहीं ना कहीं बचा भी देता कभी वो जो है, अगर कोई हल्का बहुत स्क्रैच किसी ने मारा हो तो बच भी जाती है वो, जस्ट लाइक फोन का स्क्रीन गार्ड। अब इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। चल भाई इसी पे ही बात कर लेते हैं पहले। जैसे स्क्रीन गार्ड है भाई 100 रुपए का लगता है वो। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जैसे लाख रुपए का आईफोन आता है, अगर आईफोन की स्क्रीन टूट जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 50,000 के आसपास है, एंड स्क्रीन गार्ड जो है वो 100-200 रुपए का आता है। 100 रुपए का आ जाता है। एंड अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी को अगर आप ओरिजिनल सर्विस सेंटर से पूरी रिपेंट करवाओगे तो 50-60 हजार रुपए की कॉस्टिंग आएगी। लाख रुपए से नीचे नीचे कॉस्टिंग 50-60 हजार रुपए की आएगी। एंड अगर आप पीपीएफ कराओगे तो 1.5 लाख रुपए की पीपीएफ। ये तो भाई वही बात हुई कि आईफोन की स्क्रीन आपकी 5,000 की, एंड स्क्रीन गार्ड आप उस पे जो है लाख रुपए का लगवा रहे हो कि आपकी स्क्रीन अंदर की बची रहे। बिल्कुल। तो और ऊपर से क्या है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लोग हमें कमेंट करते हैं कि यार फोन पे भी तो स्क्रीन गार्ड लगता है, फोन पे भी लगता है। दोस्तों फोन की स्क्रीन जो है वो कांच है, गाड़ी की जो बॉडी है वो मेटल है, वो पेंट है उसके ऊपर। ये तो वही बात हो गई भैया, शीशे के ऊपर फिल्म लगवा ली एक अलग चीज है, बॉडी के ऊपर ही फिल्म लगवा ली है। सनस्क्रीन लगाने की बजाय बंदे ने स्मूथ एलिमिनेशन ही करा ली है, ये तो वही वाली बात हो गई भैया। जो चीज धूप में खड़ी होएगी ना वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकती किसी फिल्म विलम से, साफ सीधी बात है। बहुत आएंगे अभी पीपीएफ वाले भी, पिछला भी वीडियो पे भैया सारे पीपीएफ वालों ने लाइन लगाई हुई है। एक और वायरल वीडियो आया हमारा पीपीएफ स्कैम के ऊपर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी देख लेना जरा। उसमें सबसे ज्यादा ना पीपीएफ वाले ही तड़प रहे हैं क्योंकि उनका हो रहा लाखों रुपए का नुकसान। बिल्कुल भैया, हमारा काम है अपने भाइयों को अवेयर करना, आप लोगों का फायदा करना, आप लोगों को अवेयर करना कि भैया 8-10-12 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, वही जो 1-1.5 लाख रुपए खर्च रहे हो ना, वही आपका पूरे साल का पेट्रोल लग जाएगा। गाड़ी को खुद मेंटेन करो, ये शोशेबाजी उन लोगों के लिए है भैया जो अफोर्ड कर अफोर्ड नहीं, यानी कि बहुत अपर सेगमेंट की गाड़ी खरीदते हैं जिनके लिए 1-1.5 लाख रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो में आगे चलें, इससे पहले अगर आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हो और उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो पीडीआई तो ये नंबर हमारा स्क्रीन पे आ रहा है भैया, पहले ही चेक कर लो कि पेंट ठीक है या नहीं है, कोई एरिया रिपेंटेड तो नहीं है, कि स्क्रैच तो नहीं लगा हुआ ऊपर से, उसी के ऊपर कहीं पीपीएफ ना करा लेना। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए अगर आप बुलाना चाहते हो तो ये स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, दिल्ली एनसीआर में खुद भी हम आके कर देते हैं, ऑल इंडिया हमारी टीम है, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइड की हुई है हमने भैया। ये पीपीएफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। तो पीडीआई, तो ये रहा हमारा नंबर, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं वीडियो। दोस्तों आप एक बात बताओ, आपके पास जिस गाड़ी में आप पीपीएफ कराने की सोच रहे हो उसका टैंक 4,000 रुपए का फुल होता है, 4,000 या 5,000 रुपए का फुल होता है, एंड 1.5 लाख रुपए की आप पीपीएफ करा रहे हो, आप सोचो वो पेट्रोल कितना टाइम चलेगा, आपको कितना मजा देगा वो, कितनी आप गाड़ी चला पाओगे उसमें। तो अगर तो आपके लिए 1-1.5 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप पीपीएफ करा सकते हो शौकबाजी के लिए कि मेरी गाड़ी शाइन ज्यादा मारेगी, इसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है। कल को जो है भैया जहाँ पे भी लग गई ना वो पूरा एरिया पूरे का पूरा चेंज कराना पड़ेगा, पूरी और पुरानी और नई फिल्म ना उसकी लगी हुई अलग नजर आएगी गाड़ी के ऊपर जो है। अगर आप काफी मतलब भैया मैं आप समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल दे के 6 महीने हो गए आपको पीपीएफ कराया, अगर काफी टाइम हो भैया वो एटमोसफियर और मॉइस्चर और हर एक चीज से धूप से वो थोड़ा धुंधलापन आएगा उसके अंदर। अगर आप कोई गाड़ी कहीं से लग गई, मान लो फेंडर लग गया, बैक साइड लग गई, बंपर लग गई, अगर आपको वो चेंज कराना पड़ा भाई वो अलग ही चमकेगा वो वाला पार्ट जो है। तो
मजा नहीं आता इन सब चीजों का। गाड़ी भैया एक इमोशन है, इसका खुद ध्यान रखना पड़ता। गाड़ी वाला धोखे जाए, अपना क्लोथ उसको प्रोवाइड करो, देखो कि वो कहीं खारे पानी से तो नहीं धो रहा, यानी हैंडपंप के पानी से तो नहीं धो रहा। क्लोथ आता है वो माइक्रोफाइबर, माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज करो। गाड़ी को खुद मेंटेन करो यार, बच्चे की तरह होती है गाड़ी, कभी खराब नहीं होगी, चाहे टाटा की भी गाड़ी हो चाहे कोई भी गाड़ी, किसी भी कंपनी की गाड़ी होगी। माना कुछ कंपनियां वीक पेंट यूज करती हैं, दक्ष की टाटा की गाड़ियों में जंग की शिकायत है, वो खारे पानी की वजह से आता है। बहुत से इंडिया में ऐसे एरिया है हमारे जहाँ पे पानी बड़ा थोड़ा खारा आज भी आ रहा है जो है। हाँ, बहुत ही ज्यादा आपका काला सा रंग लिया हुआ है आपने या बहुत डार्क कलर लिया हुआ है और आप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो आप करवा सकते हो, गाड़ी चलनी ही नहीं है। अगर आपकी घड़ी रेगुलर निकलनी है ना तो पहले हाथ जोड़ दो भाई, पीपीएफ नहीं करानी, क्योंकि गाड़ी तो लगेगी लगेगी अगर रेगुलर चलेगी तो। बिल्कुल सही बात है, लगेगी लगेगी गाड़ी, लगेगी लगेगी। तो ये टोटल स्कैम है भाई, थोड़ा सा बचाव रखो अपने आप को, क्योंकि देखो हमारा आपने भैया हमारे वीडियो देख के लाखों रुपया बचा लिया कि भैया बार्गेनिंग कैसे करनी है, क्या करना है, 50,000 से लाख रुपया आपने बार्गेनिंग में बचा लिया। ये भी तो हम आपको पैसे बचा रहे हैं। और भाई उसके बाद वही पैसा आपने पीपीएफ वाले को दे दिया, फायदा क्या हुआ पैसा बचाने का? एक हाथ से पकड़ा एक हाथ से छोड़ दिया। हाँ, आठ आने बचाए और एक रुपया फिर खर्च कर दिया। बिल्कुल सही बात। तो ये भाई अक्लमंदी नहीं है, ये सिर्फ उन गाड़ियों के लिए ठीक है, पीपीएफ सेरामिक वगैरह जो अपर सेगमेंट की गाड़ियां हैं। जैसे मान लो फॉर्चुनर ली है, फॉर्चुनर ली है भैया पहले ही पैसे बहुत आंक लेके पास, जिसने 50 लाख की गाड़ी ली है वो कहेगा चल यार 2 लाख रुपए लगा दो इस पे, कोई नहीं पड़ता भैया, ज्यादा चमचम कर रही है, उसने भोकाल के लिए तो पहले गाड़ी खरीदी है। बिल्कुल। अब जो बंदा खरीदता ही भोकाल के लिए वो खर्चेगा भाई पैसे, लेकिन भाई ये स्कैम ना उसी दिन शुरू हो जाता जिस दिन आप गाड़ी प्लान करने करते हो, डीलर एंड पे ही शुरू हो जाता है। सर ये एसेसरीज, सर ये, सर सिरेमिक कोटिंग, सर ये वो लटरम पटरम, सर पीपीएफ में तो मजा ही आ जाएगा, सर पानी नहीं टिकेगा, सर ये नहीं होगा। अबे चुप, सब बकवास की बातें हैं यार, ये सिर्फ भैया धंधे चल रहे हैं बहुत बड़े बड़े। बिल्कुल सही बात है, अगर ये कुछ फायदा देती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी देती हैं ये सब चीजें जो हैं, जब पीलो होएगी ना। और वो फायदा इतना वर्थ नहीं है कि आप लाख से 2 लाख रुपए खर्च करो। हाँ, 50 से 80 हजार रुपए भी खर्च करो सिरेमिक कोटिंग वगैरह पे, ये टोटल स्कैम है भाई, इससे बच जाना, बच सकते हो तो बच जाना, बाकी खर्च नहीं है। जेब में खुजली हो रही है कि भाई मुझे ज्यादा ही कंचा चाहिए गाड़ी, तो फिर करवा लो भाई। भैया खुजली पे याद आया, के पास गया बंदा ज्योतिष के पास, कहता जी मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, कहता ला भाई दक्षिणा पैसा आने वाला है। कहता कितनी दक्षिणा? कहता 50 रुपए। अगले दिन फिर चला जाता, कहता खुजली और हो रही है हाथ में बहुत ज्यादा, कहता ला भाई 100 रुपया, ज्यादा ही मोटा माल आने वाला। तीसरे दिन फिर चला जाता कि खुजली और हो रही है, कहता ला भाई 500 रुपया दक्षिणा, माल बहुत आने वाला। चौथे दिन वो फिर चला जाता बंदा, सर कहता यहाँ पे भी हो रही है, कहता भाई डॉक्टर को दिखा साले, खुजली हो गई है तुझे। अब जैसे हम जिस गाड़ी में बैठे हैं, हाँ, ये गाड़ी 20-22 लाख रुपए की आती है, एंड अगर हम इस पे पीपीएफ कराएंगे तो लगभग 140-150 की जो है इस पे पीपीएफ होगी, 1.5 लाख रुपए के आसपास की। एंड अगर हम ये गाड़ी कंपनी के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से, फॉक्सवैगन जो कि बदनाम है महंगी सर्विस के लिए, अगर हम उनके सर्विस सेंटर से पूरी गाड़ी रीपेंट करवाएंगे, 50 से 60 हजार में पूरी गाड़ी रीपेंट हो जाएगी, एंड क्यों फिर मैं स्क्रीन गार्ड के 1.5 लाख रुपए दूं? मुझे यार एक चीज बताओ, स्क्रैच लग भी गया ना, मान लिया लग गया स्क्रैच गाड़ी के ओरिजिनल पेंट पे, भाई कलम टचिंग कर लो ना उस पे, ओरिजिनल पेंट ले लो सर्विस सेंटर से, थोड़ा सा शीशी में रख लो, जहां पे कलम से मतलब छोटे ब्रश से या छोटे कपड़े की लीर से उसको टच कर दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी सड़क पे निकलेगी तो लगेगी लगेगी, प्रोटेक्शन फिल्म नहीं बचा सकती उसको, क्योंकि अगर ज्यादा लगेगी तो पूरी फिल्म भी पूरा वो बम्पर ही बाहर आ जाएगा। बचपन में जब मतलब अभी कभी भी गिर जाता है बंदा, बचपन में तो बच्चे ज्यादा ही गिरते हैं भैया, जीन्स पहनी होती है, पजामा पहना होता नहीं, कुछ भी पहना होता वो अंदर भी चोट लगी जाती है, जितनी मर्जी कपड़ा ऊपर पहना हो, मोटी जीन्स भी पहनी हो उसको भी फाड़ के चोट अंदर लग जाती है, तो ये भैया बचा नहीं सकती ये फिल्में जो हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों एंटी रस्ट कोटिंग। भैया आपको मैं बता दूं, एंटी रस्ट कोटिंग कंपनी से होके आती है, उसके बगैर कभी भी गाड़ी बाहर नहीं निकलती है, हर कंपनी बाय डिफॉल्ट करके ही देती है एंटी रस्ट कोटिंग जो है, वो तब चाहिए आपको जब आपके एरिया में कहीं बहुत ज्यादा पानी भरता है, बारिशें ही बारिशें हैं, आप रहते ही चिरा पूंजी में हो तो बात एक अलग है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो भैया अपना पैसा बचा लो, इन चीजों से दूर रहो, बाकी खुजली है तो भाई करवा भी सकते, खुजली का तो फिर कोई इलाज, फिर खुजली का कोई इलाज नहीं है भाई साहब, कहते हैं ना वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था, ऐसे भाई खुजली का इलाज है, खुजली हो रही है तो कर लो, खुजा लो।
बंदा कह रहा डॉक्टर कह रहा डॉक्टर साहब खांसी आती है, क्या इलाज है इसका? कहता खांसी आती है तो खांस ले। जब जेब में नोट हो ना तो भाई वो इतने भारी हो जाते हैं कि खुजली होने लग जाती है कि मैं खर्चूं कैसे इसको। बिल्कुल। तो ये भाई है उन लोगों के लिए जिनके सच में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। सीधी बात है भाई साहब, कोठी बंगले वाला मामला है, अगर बहुत ही खुजली है तो करवा लो, अदरवाइज अपना पैसा बचा लो भाई साहब। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा मैं ये गाड़ी लूं, मैं वो गाड़ी लूं, मैं कौन सी गाड़ी लूं, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना रहा है। अगर हाल फिलहाल में किसी गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हो, पीडीआई करवानी है, तो उसके लिए भी जो है ये हमारा नंबर नीचे बना रहा है, हमें पीडीआई के लिए बुला सकते हो। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।